जम्मू के जिला राजौरी में शहर के केंद्रीय विद्यालय में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में साइंस का पेपर समय से शुरू नहीं किए जाने पर छात्र भड़क गए। कुछ छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ा रोष प्रकट करते हुए कहा कि पेपर समय से करीब 15 मिनट देर से शुरू किया गया और 15 मिनट पहले ही ले लिया गया। इस पर मौके पर मौजूद कुछ अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा करना शुरू कर दिया। इस संबंध में केवी के प्रिंसिपल ने बताया कि बोर्ड की परीक्षा लेने के लिए परीक्षा अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, वह परीक्षा अपनी घड़ी के अनुसार ही शुरू करते हैं, बच्चे कुछ भी कह सकते हैं या आरोप लगा सकते हैं। एंड 20 मिनट का पेपर का मतलब होता है कि बच्चों की पूरी साइंस की करियर की स्ट्रीम खत्म कर दी गई है। केवी स्कूल में प्रिंसिपल सर अपने घर में सोए पड़े हैं। मैं यहाँ पे 1:20 पे आती हूँ, 40 बजे तक 1:40 तक वेट कर रही हूँ कि बच्चे बाहर आएंगे। देखा बच्चे बाहर नहीं आ रहे, अंदर रो रहे हैं। अंदर आई तो देखा प्रिंसिपल नहीं है, वो अपने घर में गए हुए हैं। जिसने हमारा साइंस का पेपर था, हम लोगों को 10:15 पे पेपर मिला, हम लोगों ने रीड करा। 10:30 हम लोगों को बेल सुनाई दी, सर को सुनाई नहीं दी। हमने सर को बोला सर हम पेपर लिखना स्टार्ट करें, सर ने कहा नहीं बेल नहीं बजी तो आप लोग स्टार्ट मत करो। हमने सर की बात मान के हम लोगों ने नहीं करा। 10:55 पे सर ने हमसे टाइम पूछा, हमने बताया। सर ने कहा बाहर से जो इंसान गुजरा था उससे पूछा कि ये बच्चे के पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, उनने कहा हाँ कर दो। हम लोगों ने पेपर करना स्टार्ट करा, पूरे आधे घंटे का डिफरेंस हमें हमारे पेपर में आ गया और हमसे आधे घंटे पहले हमसे पेपर भी ले लिया गया, हमारा पूरा आधे घंटे का पेपर छूट गया। कुछ नहीं है, पेपर हमने समय से दिया था, समय से खत्म हुआ है हमारी जानकारी में। और सीएस से और मैंने अपने सारे मुलाजिम मुझसे पूछा है, ऐसा कोई वो नहीं है। एक पेरेंट जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर की है, वो आके थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रही थी, तो शी इज ब्लेमिंग समवन। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।